विश्वास नगर इलाके में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में फिल्मी अंदाज में हुई सेंधमारी की गुत्थी को पुलिस ने 7 घंटे में सुलझा लिया है। बैंक के बराबर वाली निर्माणाधीन बिल्डिंग को बनाने वाले राजमिस्त्री ने अकेले बैंक की दीवार तोड़कर तिजोरी को कटर से काटकर 55 लाख रुपए निकाल लिए थे। पुलिस ने मुख्य आरोपित हरिराम और इसके साथी कालीचरण को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से चोरी के 54,97,000 रुपए, कटर मशीन, हथौड़ा, हेलमेट बरामद किया है। जिला पुलिस उपायुक्त शाहदरा आर सत्य सुंदरम ने बताया कि सोमवार सुबह लगभग 10:15 पर विश्वास नगर क्षेत्र में बैंक में चोरी के संबंध में थाना फर्श बाजार में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई। पीसीआर कॉल मिलने पर एसीपी शाहदरा राजेश कुमार मीणा, थानाध्यक्ष फर्श बाजार मंगेश गैडम और आईओएसआई अशोक राजबनिया मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण किया। जांच में पाया कि बैंक के साथ निर्माणधीन मकान से यूनियन बैंक के सवर रूम की दीवार को तोड़कर चोरी की गई है। बैंक मैनेजर अभिषेक कुमार झा के अनुसार तिजोरी से 55,03,330 रुपए नकद गायब थे। बैंक मैनेजर के बयान पर एफआईआर नंबर 341/21 अंडर सेक्शन 380/454 आईपीसी के तहत दर्ज कर मामले की जांच एसआई अशोक राजबनिया को सौंपी गई। मामले की गंभीरता देखते हुए अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त गुगुलत अमृता व निशांत गुप्ता के नेतृत्व में एसीपी राजेश कुमार मीणा और स्पेशल स्टाफ के इंस्पेक्टर हीरा लाल, थानाध्यक्ष मंगेश गैडम और इंस्पेक्टर राकेश रावत एएटीएस शाहदरा की अलग अलग टीमें बनाई गई। एक टीम में एएसआई कृष्णपाल, हेड कांस्टेबल अमित, हेड कांस्टेबल दीपक, हेड कांस्टेबल देवेंद्र, कांस्टेबल आदेश, कांस्टेबल जगमोहन, कांस्टेबल सचिन और कांस्टेबल विकास को शामिल किया गया। दूसरी टीम में एसआई अशोक राजबनिया, हेड कांस्टेबल कैलाश, हेड कांस्टेबल मनमोहन, हेड कांस्टेबल दयाल, कांस्टेबल गजेंद्र और कांस्टेबल सुमित को शामिल किया गया। टीम ने पिछले 6 महीनों में बैंक में बार बार आने जाने वाले लोग, बैंक के सुरक्षा गार्डों, बैंक कर्मचारियों और लॉकर रूम में प्रवेश करने वाले सभी लोगों की जानकारी एकत्रित कर जांच शुरू की। इसके साथ ही एक टीम ने घटना स्थल और उसके आसपास के सीसीटीवी से पिछले 3 महीनों के फुटेज को खंगालना शुरू किया। लगभग 50 से अधिक सीसीटीवी के फुटेज की जांच करने के बाद निर्माणधीन मकान नंबर 27/42 के सामने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम के सीसीटीवी कैमरा में एक संदिग्ध पहचान की गई। शक के बाद टीम ने उस खास कैमरे की फुटेज पर काम करना शुरू कर दिया। जांच कर रही टीम ने पाया कि सीसीटीवी कैमरे से छेड़छाड़ की गई थी और संदिग्ध व्यक्ति की हथेली कुछ 1 सेकंड के लिए उस कैमरे में कैद हो गई थी। इस लीड पर काम कर ते हुए कैमरे से छेड़छाड़ करने वाले संदिग्ध की पहचान के लिए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया गया। कई साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन और परीक्षणों के बाद टीम को पता चला कि बैंक की पहली मंजिल से किसी ने कैमरे को टैम्पर करने की कोशिश की थी। सीसीटीवी की जांच में पुलिस टीम को 3 प्राइम सस्पेक्ट्स दिखे। टीम ने फिर से बड़ी बारीकी से जांच की। तीनों सस्पेक्ट्स में से एक सस्पेक्ट कैमरे से छेड़छाड़ करता दिखा, हालांकि यह फुटेज 1 माइक्रोसेकंड से भी कम की थी। पुलिस ने देखा आरोपित के सिर पर बाल कम है और उसने शर्ट पहनी हुई है, जिसके आधार पर मामले की जांच आगे शुरू की गई। इलाके के लोगों से पहचान कराई गई, जिसके बाद आरोपी की पहचान राजमिस्त्री का काम करने वाले हरिराम के तौर पर हुई, जिस पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। शुरुआती पूछताछ में हरिराम ने पुलिस टीम को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन लगातार और कड़ी पूछताछ के बाद वो टूट गया और उसने बैंक में चोरी की बात कबूल कर ली। पुलिस पूछताछ में हरिराम ने बताया कि वो बैंक के साथ लगी निर्माणाधीन बिल्डिंग में 2 वर्ष पहले सुरक्षागार था, उसी बिल्डिंग में उसने राजमिस्त्री का काम भी किया था। वारदात से 6 महीने पहले उसे स्ट्रांग रूम में मरम्मत कार्य के लिए बैंक में बुलाया गया था। मरम्मत कार्य के दौरान उसने बैंक के आने जाने वाले रास्तों, बैंक में नकदी और अन्य जानकारियां एकत्रित की। उसने आगे खुलासा किया कि 3 महीनों पहले उसकी बैंक में चोरी करने की योजना थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से उसे कटर मशीन नहीं मिली, इसलिए उसने अनलॉक होने पर वारदात को अंजाम दिया। उसने आगे बताया कि बैंक के साथ लगे निर्माणधीन मकान के मालिक द्वारा लगाए गए पिछले ताले को हटाकर उसी तरह के ताले से बदल दिया। मौका मिलते ही वह निर्माणाधीन इमारत के गेट पर खुद के लगाए ताले को खोलकर अंदर घुसने में कामयाब हो गया और स्ट्रांग रूम में पहले उसने छोटे छोटे छेद किए, जिसे एक बड़ा छेद बन गया और इस तरह उसने वारदात को अंजाम दिया। हरिराम ने आगे बताया कि उसने हेलमेट पहनकर और चेहरे को कपड़े से ढककर वारदात को अंजाम दिया। बैंक से रकम चोरी करने के बाद उसने विश्वास नगर गली नंबर 7 मकान नंबर 27/112 में रहने वाले अपने दोस्त कालीचरण को अपने साथ मिला लिया और चोरी की रकम उसके घर छुपा दी, जिसके बाद पुलिस ने कालीचरण के घर से 54,97,930 रुपए बरामद कर कालीचरण को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में हरिराम ने बताया कि उसने इस चोरी की वारदात को अकेले अंजाम दिया।
इस मामले की सबसे दिलचस्प बात ये है, चोरी होने के बाद बैंक ने दीवार चुनने के लिए उसी चोर मिस्त्री को बुलाया जिसने दीवार तोड़ी थी। सोमवार को बैंक के अधिकारियों ने बैंक की दीवार को सही करने के लिए फोन करके आरोपित हरिराम राम को बुलाया। वो उनके एक फोन पर बैंक में पहुंच गया। दीवार सही करने के साथ ही वो बैंक में पुलिस की गतिविधि पर नजर रखने लगा। उसने खुद को ऐसा दिखाया कि उसने कुछ किया ही नहीं है। काम पूरा होने पर उसने बैंक के अधिकारियों से अपनी मजदूरी ली और वहां से चला गया। DCPR साथिया सुंदरम ने बताया कि आरोपियों की पहचान हरिराम और कालीचरण के तौर पर हुई है। हरिराम मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है और दिल्ली के विश्वास नगर में वो अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहता था, जबकि कालीचरण विश्वास नगर का रहने वाला है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। अपने आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर, और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहें जागरूक।